अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जैसे कि आप लोगों को पीछे टाइम नजर आ रहा होगा, इस वक्त 4:15 बज रहे हैं। हमारी आपकी मुलाकात अमूमन सुबह होती है, आज जो है वो दोपहर में हो रही है। सीन कुछ ऐसा है कि घर वाले जो है वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं और मैं घर में अकेला बैठा हूँ, खाना भी नहीं खाया दोपहर का। तो अब मैं अपनी वीडियो की शुरुआत खाने से करूँगा, तो आप लोग देखें मैं खाना खाता हूँ। तो जी, खाना खाने के लिए किचन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमारी मेरा पाँव बच गया और ये मेरा खाने का सामान आ गया। ठीक है जी, आज हम सैटरडे का दिन है, आज सैटरडे का दिन है, लेग पीस खाते हैं। और लेग पीस के साथ ये वाली बोटी ले लेते हैं। मुझे तो नहीं पता ये कौन सी बोटी है, शायद मेरे ख्याल से गर्दन के साथ होती है, तो ये वाली बोटी खाते हैं साथ। ठीक है जी, चलें इसको बंद करके वापस रख देते हैं। सबसे पहले ये ब्राउन ब्रेड आ गई। ठीक है, ये चिकन पीसेस और ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली चने हैं पूड़ियों वाले। अब आपको पता है हम तो खा नहीं सकते, घर वालों ने मंगवाए थे, चने बच गए, तो अब वो खाने के साथ खा लिए। खाने के साथ मैं चने खा रहा हूँ। आ हा हा हा, ये है असल क्रिएटिविटी, ये देखें आप। सुबह के खाने के बाद अब हमारी मुलाकात हो रही है रात के खाने से पहले। अच्छा, अमूमन ऐसा ही होता है घर में मेरे कि जिस दिन भी चावल पकें, ख़ासतौर पर वो बिरयानी हो या पुलाव हो, उसके साथ रायते की जो जिम्मेदारी है वो मेरी होती है और मैं जिस स्टाइल में रायता बनाता हूँ आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले आप उनके आइटम्स देखें। अच्छा, आइटम्स में हमारे पास ये चुकंदर है। ठीक है जी, दही तो होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास खीरा हो गया और ये प्याज है। लाओ खाने के बाद डायरेक्ट आपसे मुलाकात हो रही है संडे वाले दिन। नॉर्मली हमें कब पता चलता है कि हमारा वेट बढ़ गया? जब हम कभी शॉपिंग के लिए जाएं और हम उससे कहें कि यार 36-34 की वेस्ट की पैंट दिखा दो, वो दिखाता है तो हम पहन के आते हैं तो वो थोड़ी टाइट होती है, तो हमें सजेस्ट करता है कि आप सर एक साइज बड़ा ले लें। तो हमें लगता है ओह यार ये क्या हो गया, मतलब अगर मैं बड़ा साइज लूंगा दैट मीन्स कि मेरा वेट बढ़ गया है क्या? तो हमें वहां से इंडिकेशन होती है जब हमारे कपड़े चेंज होते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ अपने पुराने कपड़े जो है वो दिखाता हूँ जो मेरे वेट में फिक्स आते थे। ठीक है, और अब वो नहीं आ रहे, अब उनका क्या हाल है? तो ट्राई करते हैं उन कपड़ों को। ये विंटर का बेसिकली कोट है। ठीक है जी, जो कि मुझे आज से तकरीबन साल पहले बिल्कुल सेट था और अब इसका क्या हाल है वो हम ट्राई करके देखते हैं। तो शोल्डर जो है ना वो बिल्कुल टाइट है, बड़ी मुश्किल से अंदर फिट आया हूँ मैं। अच्छा, बटन जो है वो सांस रोक के बंद करना पड़ रहा है, ये आलम आ गया। अगर आप थोड़ा सा नीचे देख सके तो जब तक सांस रुका हुआ है तो सही है, अदरवाइज जो है वो बटन ऐसा है कि टूट के बाहर आ जाएगा। तो ये हाल हो गया है कपड़ों का। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जैनब मार्केट सदर में और इस टाइम जो है वो धूप निकली हुई है, गर्मी अच्छी खासी है, आवाज़ आपको आ रही होगी शोर की। का
काफी कड़वा है। से कर रहे हैं रात का खाना बाहर खा रहे हैं तो डाइटिंग करके बाहर खाना खाना ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ शेख चिल्ली, ठीक है जी, जो कि खैबाने राहत कमर्शियल में है, ठीक है। आप इनका मेन्यू देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डाइट पर हैं तो आप इन आइटम्स में से देख सकते हैं चीज़ें, जिसमें बारबेक्यू आपका आइटम हो गया या सी फूड है उसमें आप ग्रिल आइटम्स देख लें, जैसे फिश ग्रिल है, ठीक है। इन्होंने हमें बताया कि जितने भी आइटम्स हैं ये सब ग्रिल हो रहे हैं, यानी बारबेक्यू हो रहा है, तो ये कुछ भी आइटम आप खा सकते हैं, इनमें से कुछ भी आइटम आप खा सकते हैं। साथों साथ आपने यहाँ पे चपाती का ऑप्शन भी है, तो आप ये चपाती ले सकते हैं, पराठे को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारा सबसे पहले खाना आ गया मलाई बोटी, ठीक है जी। अब इसको ट्राई करते हैं। ये हमारा सेकेंड आइटम आ गया जी टिक्का। ये आखिरी आइटम हमारा फिश का था, तो ग्रिल फिश भी आ गई है। खाना खा के जस्ट अभी फारिग हुए हैं। थोड़ा सा इसका रिव्यू बता देता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। मुझे जो है वो इनका टिक्का बहुत अच्छा लगा, नमक मिर्ची उसके अंदर सब बराबर थे, बहुत अच्छा ग्रिल हुआ हुआ था। और इनकी जो मलाई बोटी थी उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की मेरे हिसाब से ज़रूरत है। टेस्ट ओवरऑल गुड है, ठीक है जी। और फिश जो है वो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को कि वो आए तो फ़िश खाए। फ़िश का टेस्ट मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो
दो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, एक फिश का जो है वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा है कि थोड़ी सी उसके बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये था शेख चिल्ली का रिव्यू। आप आएँ अगर डाइट पर हैं तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ग्रिल करवा के खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है।